यही जब मुंबई अटैक्स हुए तो इसने नवाज शरीफ सबसे पहले बोला कि वो जो लड़का, एक लड़का, वो कौन से गांव में था पाकिस्तान में जिधर से अटैक हो। इसने किम बाकर को एक इंटरव्यू दिया था और इसने उस इंटरव्यू में बता दिया कि वो पाकिस्तान से। मुंबई के अटैक हुआ, दहशतगर्दी का अटैक हुआ मुंबई में, तो आसिफ जरदारी ने एक बयान दिया था कि पाकिस्तान का जो जो DGISI है उसको मुंबई भिजवाया जाए। यानी सोचे हैं कि अपना मुल्क का उस वक्त सदर था, कहता था उसको मुंबई भिजवाया जाए। और फिर यही आसिफ जरदारी हुसैन अकानी के जरिए अमरीकनों को मैसेज पहुंचाता है कि अमरीकनों को कह रहा है कि पाकिस्तान की फौज से आसिफ जरदारी को बचाएं। और दूसरी तरफ नवाज शरीफ, यही जब मुंबई अटैक्स हुए तो इसने नवाज शरीफ सबसे पहले बोला कि वो जो लड़का, एक लड़का, वो कौन से गांव में था पाकिस्तान में जिधर से अटैक हो। इसने किम बाकर को एक इंटरव्यू दिया था और इसने उस इंटरव्यू में बता दिया कि वो पाकिस्तान से। यानी पहले ही एक बहुत बड़ा एक पाकिस्तान के खिलाफ एक मुहिम चली हुई थी और खास तौर पे ISI और पाकिस्तानी फौज को टारगेट किया जा रहा था। तो नवाज शरीफ ने पहले कहा ये। फिर डॉन लीक्स क्या थी? डॉन लीक्स के अंदर नवाज शरीफ, इसकी गवर्नमेंट बकायदा ये कहती है कि जो दहशतगर्दी हिंदुस्तान के खिलाफ हो रही है उसमें पाकिस्तान की ISI मुलव्वसा, पाकिस्तान की फौज।